सारे लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि तहसील में आरटीआई किस प्रकार से लगाएं, इसका एक आप डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अगर किसी भी तहसील में आरटीआई लगाना चाहते हैं, क्योंकि तहसील में हर व्यक्ति का काम पड़ता है, कुछ न कुछ आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, चाहे आदेश की कॉपी हो या प्रमाणित कोई दस्तावेज हो, तो आपको आरटीआई लगाना पड़ता है। अगर मध्य प्रदेश से हैं तो आपको लोक सेवा के माध्यम से भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप किसी तहसील में आरटीआई दायर करेंगे। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तहसील में या किसी भी विभाग में आरटीआई लगाने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप टाइप करा के आरटीआई लगाएं, आप किसी सादे कागज में अपने हैंड राइटिंग से लिख सकते हैं। अगर आप टाइप करा सकते हैं तो ठीक है, नहीं करा सकते हैं तो इसपे कोई इश्यू नहीं है। तो देखिए, सबसे ऊपर आपको लिख देना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अंडर सेक्शन 6(1) के तहत आवेदन, आपको सबसे ऊपर ये लिख देना है। देखिए, उसके बाद आप किसके पास आरटीआई भेज रहे हैं, तब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमें ये नहीं पता कि तहसील में कौन लोक सूचना अधिकारी है, तो हम किस प्रकार से आरटीआई भेजें। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे टू में प्रति में सीधे लोक सूचना अधिकारी आपको डाल देना है, क्योंकि ये स्टेट की आरटीआई है तो यहाँ पे हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी लिख दिया है। तो आपको नाम पता हो ना हो, आप सीधे राज्य लोक सूचना अधिकारी लिख दीजिए और उसके बाद उस विभाग का नाम और पता। हमें एसडीएम कार्यालय तहसील मऊगंज से जानकारी चाहिए तो हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको प्रति लिखना है। इसमें हर डिपार्टमेंट में एक पीआईओ अपॉइंटेड होता है, तो जो भी पीआईओ होगा उसके पास आपका आवेदन चला जाएगा। अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आप कोशिश करें कि सटीक लिखें और स्पष्ट लिखें। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि खसरा नंबर है 220(1) के मुआवजे से संबंधित आवेदन, दिनांक यहाँ पे डाल दिया और वहाँ पे जगह का नाम लिख दिया जहाँ पे ये जमीन है, तो इस जमीन से संबंधित हमें जानकारी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन में आपको सब्जेक्ट लिख देना है यानी विषय। अब यहाँ पे हमने आवेदक का विवरण डाला है, तो जरूरी नहीं है आवेदक का विवरण सबसे आपको ऊपर लिखना है, आप नीचे जहाँ सिग्नेचर करते हैं वहाँ भी अपना पूरा नाम, एड्रेस और आपका कांटेक्ट नंबर लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं जानकारी में। अब देखिए, आप कोई भी आरटीआई फाइल कर रहे हैं तो आप पहले उसमें थोड़ा वर्क कर लीजिए कि आपको किस प्रकार से आरटीआई लिखना है, क्योंकि आपके लिखने पे ही आपको सूचना मिलेगी नहीं मिलेगी, पीआईओ क्या बहाना करेगा, ये आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सही और सटीक लिख दिया तो पीआईओ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको सूचना देनी पड़ेगी। और अगर आपने डबल मीनिंग का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, डबल मीनिंग के सेंटेंस बना दिए, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है आपको भी उनको भी। अब इस आवेदन में ये जो दो खसरा नंबर हैं उससे मुआवजे से संबंधित एक आवेदन दिया गया था जिसकी जानकारी यहाँ पे मांगी जा रही है। अब आपकी जो जानकारी होगी तो इस प्रकार आप थोड़ा सा भूमिका बना के फिर जो जानकारी चाहिए उसको इस प्रकार से बिंदुवार आप लिख देंगे। तो अब यहाँ पे तीन बिंदुओं की जानकारी चाही गई है, पटवारी द्वारा जांच की गई थी, उसका प्रतिवेदन की सत्यापित कॉपी मांगी गई है। दूसरी यहाँ पे एसडीएम द्वारा बैंक को मुआवजा रोकने के लिए आए एक आदेश दिया गया था, उसकी सत्यापित कॉपी मांगी गई है और आदेश कब पहुंचा है उसकी रिसीविंग और जांच प्रतिवेदन के बाद जो कार्यवाही की गई है उसकी जानकारी, यहाँ पे तीन बिंदुओं में सटीक जानकारी मांगी गई है। तो यहाँ पे लोक सूचना अधिकारी को आपको जवाब देने में, डॉक्यूमेंट देने में इजी हो जाएगा और यहाँ पे किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं है। तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो उसमें अधिक से अधिक आप डिटेल दीजिए, जिससे पीआईओ उसको आपको इजिली डॉक्यूमेंट दे दे, जो भी इंफॉर्मेशन है बिना लेट किए आपको मिल जाए। अब आप जो जानकारी चाहते हैं वो डाल देने के बाद अब यहाँ पे आता है आपको पेमेंट। अब
अगर आप बीपीएल कैटेगरी से नहीं हैं तो आपको 10 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप बीपीएल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए कि एप्लीकेट इज बिलोंग टू बीपीएल कैटेगरी। यहाँ पे आप बीपीएल कार्ड का जो नंबर है वो आप डाल दीजिए तो आपको फीस नहीं लगेगी। अब यहाँ पे हमने 10 रुपए आईपीओ से फीस दिया है। देखिए हमने आईपीओ बना के और आईपीओ हमने यहाँ पे ये आईपीओ नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पे माननीय राज्य सूचना के आदेश के बाद ऑनलाइन पेमेंट करने की भी सुविधा हो गई है। तो अगर आपको आईपीओ मिलने में प्रॉब्लम हो रही तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। आप हमारी ये वाली वीडियो आप देख के 10 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करके ई चलान जनरेट कर सकते हैं और आप यहाँ पे ई चलान का नंबर डाल देंगे तो आपको पेमेंट में सुविधा हो जाएगी। उसके बाद नीचे आप आरटीआई के कुछ सेक्शन होते हैं कि अगर मांगी गई जानकारी पीआईओ के पास नहीं है तो 5 दिन के अंदर उसको जिसके पास जानकारी है उस पीआईओ के पास आपके आरटीआई को भेजना पड़ता है और उसकी सूचना आवेदक को देनी पड़ती है। ये आप डाल सकते हैं चाहे तो। उसके अलावा अगर आपकी आरटीआई का जवाब देने में फोटो कॉपी हो गया या किसी डॉक्यूमेंट के लिए एडिशनल फीस की जरूरत पड़ती है तो उसकी सूचना पीआईओ आपको बताएगा करके कि इतना आपको पेमेंट जमा कराना है। उसके अलावा जब आपको पीआईओ रिप्लाई करेगा तो वहाँ पे प्रथम अपीलीय अधिकारी जो होता है उसका पूरा डिटेल देगा सेक्शन 7873 में, जिससे अगर आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है तो फर्स्ट अपील दायर कर दें। यहाँ पे अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं उसका निरीक्षण करना चाहते हैं तो उसका भी आप यहाँ पे सेक्शन डाल सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप घोषणा करेंगे कि आप भारतीय हैं और यहाँ पे आप अपना नाम लिख के सिग्नेचर कर देंगे और इसकी एक कॉपी आप अपने पास रख लेंगे, ओरिजिनल कॉपी आप भेज देंगे। साथ में आपको ये आईपीओ लगाना है या अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको साइबर की रिसिप्ट लगानी है। इस प्रकार से जो ऑनलाइन पेमेंट होता है उसका यहाँ पे इस प्रकार से चालान जनरेट होता है। तो आप या तो ये लगाएंगे, आईपीओ लगाएंगे या आप नॉन ज्यूडिशियल स्टैंप लगाएंगे, जिस भी मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं वो आप लगा देंगे। उसके बाद आप स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड डाक से भेज देंगे और उसकी कॉपी आप संभाल के रख लेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप स्पीड पोस्ट करेंगे उसके रिसीविंग पेमेंट की कॉपी प्लस आप जो आरटीआई भेज रहे हैं उसकी कॉपी, ये सब आपको संभाल के अपने पास रख लेना है, जिससे आपको फर्स्ट अपील या सेकंड अपील या कंप्लेन के टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप उसको ट्रैक भी करते रहें स्पीड पोस्ट की वेबसाइट में जाके कि आपका जो आरटीआई है वो किस दिन पहुंच रही है, से आपको स्टेटस पता चलता रहेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑनलाइन आरटीआई दायर करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे बनी हुई है, आप देख के सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं, वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।